हे गाइस, जय श्री कृष्ण। अभी हम आज के मथुरा, ऑलमोस्ट आगरा से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मथुरा आया हुआ है। यहाँ पे श्री भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे जन्मभूमि है। आप देख सकते हो कितनी सारी पब्लिक है। अभी बजे 7 बजे है और यहाँ से मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, ये वाला रास्ता। अभी मंदिर के अंदर फोन अलाउ नहीं है, इस वजह से हमने अंदर से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपको बाहर से दिखाता हूँ। ऐसा कुछ मंदिर है, यहाँ से एंट्री लेनी है और ऊपर है श्री कृष्ण भगवान का मंदिर, राधा जी का मंदिर। जो थोड़ी देर पहले हम मंदिर के अंदर दर्शन करके आए और बहुत ही अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति है। और अभी लोकल यहाँ पे बाजार है, बाजार के अंदर अभी घूम रहे हैं। यहाँ पे हमने आते ही यहाँ पे पहले रूम बुक करवाई, जो कि 500 रुपये में हमें रूम मिली थी। कृष्ण यहाँ पे अतिथि निवास है, उसके अंदर यहाँ पे क्लॉक रूम सभी सब कुछ अवेलेबल है और यहाँ पे भोजनशाला भी है। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं। सुबह हम यहीं से जाएंगे वृंदावन, ऑलमोस्ट यहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आया है, तो वृंदावन भी जाएंगे। और अभी हम आपको यहाँ का लोकल बाजार भी घुमाएंगे। पहले हमने दर्शन कर लिए अंदर, लेकिन मंदिर मोबाइल अलाउ है तो वीडियो नहीं शूट करवाया। देखो बाहर से दिखाता हूँ, ये रहा ऊपर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। आगे उनका जन्म स्थल है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो। ये मंदिर के ठीक पीछे यहाँ पे दूसरा मंदिर है, तो दोनों जगह पे हम दर्शन करके आए। बहुत सारी स्टॉल वगैरह सब कुछ है, यहाँ से आप खरीदी कर सकते हो। अच्छे अच्छी चीज़ भी मिलेगी, यहाँ का प्रसाद सब कुछ अंदर मिल जाएगा मंदिर के अंदर। और ऐसा कुछ है, अभी हम घूम रहे हैं। यहाँ लोकल बाजार है यहाँ पे, और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का ऊपर मंदिर है, ऐसा कुछ बाजार है। यहाँ पे कुछ खाना वाना खा सकते हो, बाहर से खाना बाहर से, अंदर मंदिर के अंदर भोजनशाला भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे खाओ तो उससे बेटर रहेगा। ये 500 रुपये में मिल जाएंगी। श्री कृष्ण यात्री भवन है इसके अंदर, और इस तरह का कुछ नज़ारा है। अभी रात हो चुकी है, तो सुबह हम यहाँ से जाएंगे पहले वृंदावन। ऑलमोस्ट यहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस आया, तो वृंदावन भी जाएंगे, तो दिखाते हैं श्री कृष्ण यात्री निवास वो भी दिखाएंगे और यहाँ के भोजनशाला वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले लोकल बाजार में घूमते हैं, कुछ खरीदी वर्दी करते हैं। जय श्री कृष्ण। सो गाइस, खाने के लिए यहाँ पे टोकन लेनी पड़ती है और 100 रुपया की एक टोकन आती है। यहाँ इस तरह का कुछ खाना मिल जाएगा यहाँ पे। तो खाना अभी हमारा आ चुका है, जैसे सब्जी है, दाल है, एक ऐसा कुछ खाना है। तो गाइस, जस्ट अभी अभी हमने भोजनशाला के अंदर खाना खा के आए। बहुत ही बढ़िया खाना यहाँ पे दिया जाता है। 100 रुपये यहाँ का टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद खाना ऊपर दिया जाता है। और इस तरह की कुछ भोजनशाला है, इसके अंदर आप आओ। ये मंदिर के ठीक बगल में ही आया हुआ है, देखो वो सामने मंदिर है और वहाँ से ये रही भोजनशाला। और यहाँ पे यात्री निवास है, वहाँ से आपको रूम लेनी है तो वहाँ से ले सकते हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। अभी हम हैं मथुरा के अंदर, कल यहाँ पे आए थे नाइट को, हमने दर्शन किए थे। आपको भी बाहर से दर्शन करवाए थे, मंदिर के अंदर वो फोन अलाउ नहीं, इस वजह से दर्शन नहीं करवा पाए, लेकिन बाहर से दर्शन करवा दिए। अभी भी हम बाहर से आपको दिखाते हैं कैसा है मंदिर। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम मंदिर के अंदर दर्शन करके आए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। भगवान का जीवन चरित्र या बगल में यहाँ पे गुफा टाइप का बना है, उसके अंदर आप 10 रुपये की टिकट लेके वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। तो सुबह सुबह आरती चल रही थी, आरती के भी हमने अच्छे से दर्शन किए। और अभी जो जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया, वहाँ कुछ रूम ऐसे दिए जाते हैं जो कि यहाँ से कृष्ण यात्री निवासी, इसके अंदर कुछ इस तरह की रूम है, 2 डबल बेड है और बहुत ही पेस है रूम के अंदर। ये यहाँ पे अलमीरा है और कुछ ऐसा है एसी और फैन सब कुछ है इसके अंदर। 500 रुपये में हमें ये रूम मिली थी, तो बहुत ही अच्छी सुविधा है मंदिर की ओर से। यहाँ पे भोजनशाला वहाँ पे अभी आप खा सकते हो। तो चलिए यहीं से जाने वाले हम वृंदावन, ऑलमोस्ट यहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आया है। तो चलिए चलते हैं और जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हम शाम तक आज जयपुर पहुँच जाएंगे आराम से। तो चलिए जर्नी को आगे बढ़ा, जय श्री कृष्ण।
गाइस जय श्री कृष्ण। फाइनली अभी हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा प्रेम मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का राधा जी का मंदिर है। यहाँ पे प्रेम मंदिर देख सकते हो, यहाँ से मैंने एंट्रेंस है मंदिर के अंदर। बैग वगैरह सब कुछ अलाउड नहीं है, मोबाइल आप लेके आ सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ पे। सुबह सुबह हम आ चुके, सुबह के बजे हैं और 10 बज चुके हैं यहाँ पे आते हैं। और इस तरह का कुछ गार्डन है। ये रहा प्रेम मंदिर, श्री कृष्ण भगवान के आप दर्शन कर सकते हो, राधा जी के दर्शन कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग अभी मंदिर के अंदर आए घूमने के लिए सुबह सुबह। और देखो नज़ारा कुछ ऐसा है, बढ़िया सा मंदिर है। यहाँ पे आते ही आपका मन प्रभावित हो जाएगा देख के। जैसे आप मंदिर देख सकते हो, प्रेम मंदिर कुछ इस तरह से बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हो। यहाँ पे जो गार्डन है उसकी तो बात ही क्या करें, अलग अलग यहाँ पे फूल्स वगैरह लगाए गए हैं। बहुत ही बड़ा गार्डन है और भगवान का जीवन चरित्र यहाँ पे प्रसारित किया गया है। काफ़ी सारे अलग अलग रूप में भगवान यहाँ पे विराजमान है। कुछ इस तरह की मूर्तियाँ भी लगाई गई है। ये प्रेम मंदिर है ठीक है, यहाँ पे वृंदावन के अंदर ये प्रेम मंदिर आया हुआ है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। पीछे है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के अंदर हमने अच्छे से दर्शन किए भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के। बहुत ही बढ़िया लगा मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद। आप देख सकते हो पीछे मंदिर आपको भी दर्शन करवाए। ज़्यादातर हम अंदर के वीडियो नहीं ले पाए, अंदर अलाउ नहीं है, बाहर से आप ले सकते हो। कुछ इस तरह का मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे अंदर मूर्ति स्थापित की गई है, राधा जी की है। और बहुत ही मन लगता है अंदर जाने के बाद। बहुत ही संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है, यहाँ पे वाइट रंग का पत्थर आरस पहाड़ से बनाया गया मंदिर कुछ इस तरह का है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी अच्छे से फोटो की प्रेम मंदिर के ठीक बाहर, वीडियो रील भी बनाई तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी। और कुछ इस तरह का नज़ारा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ से ऑलमोस्ट जाना है। अभी 11 बज चुके हैं और यहाँ से जाना है जयपुर। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर है प्रेम मंदिर से यहाँ वृंदावन से। तो हम यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं बाइक लेके जयपुर, और रास्ते में आपको जो जो जगह आएगी वो भी दिखाएंगे। ऑलमोस्ट शाम तक आराम से पहुँच जाएंगे जयपुर। भगवान श्री कृष्ण के सुबह सुबह मथुरा के अंदर उनका जन्म स्थल है, वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद आए प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर के दर्शन किए, आपको भी दर्शन करवाए। कुछ ऐसा नज़ारा है। तो चलिए यहीं से चलते हैं जयपुर की ओर, आगे हमारी जर्नी बढ़ाते हुए। आज तारीख 29 जनवरी 2024 और यहाँ से ऑलमोस्ट हमें घर से निकले ऑलमोस्ट 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन घर जाते जाते 10-12-13 दिन हो जाएंगे। और जयपुर उदयपुर होकर घूमते घूमते जाएंगे आराम आराम से बाइक लेके। कुछ ऐसा नज़ारा है प्रेम मंदिर का। तो चलिए यहीं से जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलिए यहाँ से चलते हैं जयपुर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सो गाइस सामने है प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर की विजिट के हमने की। तो प्रेम मंदिर मथुरा को अभी बाय बाय बोलते हैं यार, यहीं से चलते हैं हम जयपुर की ओर। जय श्री कृष्ण। आगे आ जाएगा हाईवे, ऑलमोस्ट 235 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है जयपुर। तो चलिए जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जय श्री कृष्ण। सो गाइज
प्रेम मंदिर ठीक थोड़े ही आगे आया था, यहाँ पे देखो वैष्णो देवी का टेम्पल है, बहुत ही बड़ा टेम्पल है वैष्णो देवी का। और प्रतिमा देखो उनकी, बड़ी सी प्रतिमा है, लार्जेस्ट। काफ़ी सारे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये रहा वैष्णो देवी का टेम्पल। आगे बढ़ते हैं भैया। भाई साहब हमने गोवर्धन वाला रास्ता पकड़ लिया है। देखो गोवर्धन यहाँ से 18 किलोमीटर दिखा रहा है 10, और जाने हैं गोवर्धन। गोवर्धन देखते हैं, उसके बाद वहाँ से जाएंगे जयपुर की ओर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। यहाँ पे फॉग अभी गिर रहा है, देखो ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी ठंड लग रही है। उतनी नहीं है अयोध्या जितनी ठंड नहीं है यहाँ पे, ये यूपी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कम है ठंड। चलिए जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। क्या रेट है इसका? 80 रुपये किलो। 40 का कर दो, 500 कर दो। जामफल ले लेते हैं हम, यहाँ से आगे जाना है। ये गोवर्धन वाला रास्ता है ना, जयपुर निकल जाएगा ना? हाँ नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ क्या निकल जाएंगे और जानकारी कर लेना, ठीक है। अभी हम आ चुके हैं राधा कुंड, यहाँ पे राधा कुंड है तो दर्शन करने के लिए, तो चलिए दर्शन करते हैं। पहले यहीं से जाएंगे गोवर्धन, यहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा है अभी गोवर्धन, तो पहले राधा कुंड का दर्शन करते हैं फिर गोवर्धन जाएंगे। ये कौन सा कुंड है? ये राधा कुंड है, बाजू में पल्ली साइड में श्याम कुंड, श्याम कुंड है। दोनों का जल नीचे से कनेक्ट है। अगोई माता, करवा चौथ, दोनों ही व्रत यहीं से। ये इस जगह का नाम पहले अरिष्टवन था, राधा कुंड नहीं था। अरिष्टासुर नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया है दोनों के बीच में, और तभी से भगवान ने अपनी बंसी से खोदा था। और राधा रानी रुष्ट होती हैं, वो कहती हैं प्रभु जी हमको सारे तीर्थों में आपको स्नान करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने बछड़े का वध किया है। भगवान बोलते हैं मैंने बछड़े का वध नहीं किया है, मैंने राक्षस का वध किया है। मैं आया तो गौ को बछड़े के रूप में 33 करोड़ तीर्थों को स्नान करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से राधा रानी मानती हैं। बंसी की धुन से नारद जी को बुलाते हैं भगवान, और नारद जी सभी तीर्थों को बुलवाते हैं, और भगवान सभी अपनी झाड़ियों में जल लेके आते हैं, फिर उनका स्नान करते। फिर इनमें जल नहीं आता है, राधा रानी ने स्वयं अपने कंगन से खोदा, भगवान ने अपनी बंसी से खोदा है। ये कुंड हाँ, ये बंसी से खोदा भगवान ने, बंसी से कुंड खोदा। पल्ली साइड में बज्रनाव कुंड है, इधर कंगन से खोदा है, तो कंगन कुंड इसके अंदर है, अंदर ऊपर से नहीं दी, जल स्वरूप में उसी में से ऑटोमेटिक जल आता है। कहीं से कोई गंदा पानी नहीं आता। जो भी हमारे राधा कुंड का बंदा आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, जो जानेगा वो तुरंत मतलब ठीक है, जो नहीं जानता उसकी तो भाई नहीं। और अगोई माता और करवा चौथ दोनों ही व्रत हैं। अगोई का होता है बच्चों की लंबी आयु के लिए, करवा चौथ का होता है घर के स्वामी के लिए। दोनों ही महत्वपूर्ण व्रत है हमारे गृहस्थ जीवन में, दोनों ही महत्वपूर्ण। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो राधा कुंड है, और इस तरह का कुछ है। पंडित जी ने हमारा हमको यहाँ पे इतिहास बताया, ऐसा कुंड है। ओम श्री विष्णु अधे परमात्मने ब्राह्मणे द्वितीय प्रहलादे राधा रानी आप हमारी मंगल में यात्रा को शुभ करें, लाभ करें, घर के अंदर जैसे प्रदान करें। आप हमें गुरु भक्ति दें, गोविंद भक्ति दें, राधा भक्ति दें, कृष्ण भक्ति दें, राधा कुंड में श्याम कुंड में साधु ब्राह्मण सेवा में। नाम बोलो प्रभु जी अपना, क्या नाम है? और मम्मी पापा का शादी नहीं है? ओके धर्मपत्नी का नाम बोलो, रीना, मुकेश और रीना की जो कल जुड़ी बच्चों का नाम बोलो, रियांश के नाम के राधा कुंड में श्याम कुंड में प्रवाही खुशी के लिए वंश वृद्धि के लिए अखंड सौभाग्य के लिए बारम्बार प्रणाम कर रहे हैं। आशा कर रहे हैं आप हमारे बच्चों की लंबी आयु करें, विद्या बुद्धि से कारोबार में वृद्धि करें, अखंड लक्ष्मी का वास दें। राधा कुंड में श्याम कुंड में साधु ब्राह्मण सेवा में प्रसन्न मन से, तो राधा रानी का मिष्ठान को बोल दिया, प्रसन्न मन से सेवा बोल दिया। ज्यादा सेवा हो ना, 200 रुपये किलो की हो, कोई 1 किलो बोले, कोई 2 किलो बोले, कोई 5 किलो, जैसा भगवान दे। राधा शक्ति नमो, ऊपर की तरफ हाथ करके बोलो जय जय श्री राधे। मार्गदर्शन करने के लिए इंद्र को अहंकार हो गया कि मैं इन मेघों का राजा हूँ, और इसलिए कभी भी मैं बरसात कर सकता हूँ कभी नहीं। भगवान ने उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने सिर से ऊपर उठाया, सभी बंदीवासियों को बचाया और सभी गऊओं को बचाया। जब एंड में वो देखते हैं कि एक भी ब्रजवासी नहीं डूबा है और इनके घर सेफ हैं, तो जैसे ही आँख फाड़ के देखते हैं तो भगवान के सामने स्वयं
इंद्र भगवान इंद्रदेव नतमस्तक हो जाते, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं उसको अहंकार हो गया। तभी से इस पर्वत की जो भी पूजा अर्चना करता है गोवर्धन नाथ, सबको आशीर्वाद देते हैं, मंगल कामना करते हैं, लाखों करोड़ों में आदमी आते हैं और पूजा अर्चना करके जाते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। किसी से भी आप बात करके दे सकते, मुझसे ही नहीं, ये आस्था का हमारा प्रतीक है। राधा कुंड श्याम कुंड ये नेत्र है ठाकुर, राधा कुंड श्याम कुंड नेत्र है और गोवर्धन नाभि है बीच का केंद्र। यहाँ से कितना होगा? यहाँ से 4 किलोमीटर। और उसकी प्रदक्षिणा भी होती है ना गोवर्धन, प्रदक्षिणा की जाती है वहाँ पे पूजा अर्चना, प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा वो परिक्रमा परिक्रमा उसी के अंतर्गत में राधा कुंड श्याम कुंड, जो पल्ली साइड से जो लोग निकलेंगे ऊपर से जो घूमते हुए सीधे निकल जाते हैं, और जिनको पूजा करनी होती है वो नीचे नीचे उतरते हैं, जिनकी राधा रानी कामना करती है वो नीचे उतरते हैं, जिनका भाव होता है वो नीचे उतरते हैं, जिनको श्री जी बुलाती है वो नीचे उतरते हैं, जिनके भाव नहीं है या उनका कोई कर्म नहीं लिखा है तो वो श्री जी के पास क्यों आएंगे, जिनके भाव है वो आते आते जय श्री जी, उनकी मंगल कामना करती है। और अगोई माता करवा चौथ, देखो ये अगोई माता वही माता बहन बनाती है, ये लाल लाल सी बन रही है दीवालों, ये वही माता बहन बनाती है जिनकी कामना पूर्ण होती है। जिन माता बहन पर संतान नहीं होती है वो यहाँ फल छोड़ के जाती है, उस फल को सवा साल नहीं खाती, और राधा रानी अवश्य गोपाल देती है, जिनके पास गोपाल है वो अपनी कोई भी कामना बोलो, पढ़ाई लिखाई नौकरी जॉब अपनी बच्चों की जो भी कामना महारानी 11 महीने के अंतर्गत में बड़ी से बड़ी कामना को पूरी कर, ये मंदिरों से बड़ा मंदिर बोलते हैं हम इस जगह। सो गाइस ये राधा कुंड है, वहाँ पे श्याम कुंड है, कुछ ऐसा कुंड है आपको हमने दिखवाया। पंडित जी से आपका इतिहास जाना या गोवर्धन का भी इतिहास जाना तो चलो चलते हैं, ऐसे गोवर्धन चलते हैं और वहाँ जाके आपको दर्शन करवाते हैं। इस तरह का कुछ कुंड है बहुत ही बड़ा। जय श्री कृष्णा गाइस, अभी हम आ चुके हैं गोवर्धन पर्वत देखने के लिए। ये देखो यहाँ का कुछ बाजार ऐसा है, और ये गोवर्धन पर्वत की जो आपको परिक्रमा करनी है तो 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है, कर सकते हो आप यहाँ आकर। यहाँ पे रहने के लिए रूम वूम सब कुछ मिल जाएगा, होटल धर्मशाला सब कुछ अवेलेबल है तो मिल जाएगा। सो गाइस ये देख सकते हो ये प्रदक्षिणा पंथ है, पूरा घूम के 21 किलोमीटर करीब प्रदक्षिणा होती है, काफ़ी सारे लोग प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और ये ही गोवर्धन पर्वत है, ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर की ये प्रदक्षिणा कर सकते हो आप टाइम लेके आओ। तो चलिए हम यहीं से जाएंगे जयपुर की ओर आगे बढ़ते हुए, कुछ ऐसा है गोवर्धन पर्वत। जय श्री कृष्णा, आप जब भी आओ तो गोवर्धन पर्वत के भी विजिट करना, हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है। आगे भरतपुर होकर हमें जयपुर की ओर बढ़ना है, 205 किलोमीटर अभी हमारे जाने को, यहाँ से जयपुर इतना होता है 205 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है। तो सुबह मथुरा से निकले थे और अभी गोवर्धन है, और गोवर्धन से जयपुर अभी हमें जाना है, 105 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलिए यही से जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं जयपुर। जय श्री कृष्णा। ये जो आप देख रहे हो लोग जो पैदल चल रहे हैं गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कुल 21 किलोमीटर की प्रदक्षिणा पंथ है ये, बहुत ही बड़ा गोवर्धन, ये वाली साइड गोवर्धन पर्वत है और ये वाली साइड जो लोग पैदल जा रहे हैं बिना चंपल के जा रहे हैं, देखो ये प्रदक्षिणा पंथ है 21 किलोमीटर का। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं जयपुर की ओर। जय श्री कृष्णा। सो गाइस फाइनली अभी हम राजस्थान के अंदर घुस चुके हैं, ठीक गोवर्धन के ठीक पास में ही यहाँ पे राजस्थान शुरू हो जाता है। गोवर्धन अर्धा हाफ गोवर्धन है वो, जो देखो ये राजस्थान की साइड पे पड़ता है गोवर्धन पर्वत। सो ऑलमोस्ट हम गुजरात से निकले थे, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर वापस राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, ऑलमोस्ट 4 स्टेट घूम चुके हैं अभी तक। 3 स्टेट में घूम चुके हैं, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अभी राजस्थान में आ चुके हैं, राजस्थान होकर गुजरात जाएंगे। सो गाइस पेट्रोल पंप पे अभी हम आ चुके हैं, पेट्रोल पहले डलवा देते हैं, जितना इतना अभी है टंकी के अंदर लेकिन डलवा देते हैं। राजस्थान के अंदर अभी हम है, डाल लो जितना है डाल लो, लीटर 108 रुपये लीटर यहाँ पे राजस्थान में पेट्रोल मिल रहा है, 419 का आ चुका। अभी जयपुर होकर 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे घर अहमदाबाद। ये कैमरे से वीडियो बनाते हैं। हाँ जाते जाते वीडियो शूट करना है पूरा ही। हाँ तो आप वैसे घूमने पे अपने स्तर से गए थे किसी के? नहीं नहीं अपने अपने से होगा यार। ये कितने का आता है हेलमेट? ये कैमरा कैमरा 50 का आता है।
50,000 का यार पंडित जी, ये देखो बात पास सब होती है इसके अंदर, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ होता है। जिंदगी है भाई, यहाँ तो बहने चुदा रही। पेट्रोल हमने फुल करवा ली है और 420 की पेट्रोल आई, 4 लीटर आई, 108 रुपये प्रति लीटर यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है राजस्थान में। पेट्रोल ऑलरेडी हमारे बाइक में थी लेकिन हमने डलवा दी क्योंकि बीच रास्ते में कुछ पेट्रोल पंप मिले ना मिले हमें कुछ मालूम नहीं, इस वजह से। देखो रास्ता कुछ अच्छा खासा आ चुका है भरतपुर के लिए, यहीं से भरतपुर ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है, उसके बाद वहाँ से जाएंगे जयपुर की ओर। चलिए जर्नी को आगे बढ़ाते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सो गाइज, रास्ते कुछ ऐसे, बहुत ही अच्छा रास्ता है और दोनों साइड खेत देखो, बहुत ही हरियाली हरियाली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे रास्तों में ड्राइव करना, कुछ ऐसा नज़ारा है। दोनों साइड राय की खेती होती है यहाँ पे, राजस्थान के अंदर है अभी हम। सो गाइज, जयपुर का आप बॉर्डर देख सकते हो यहाँ पे, 142 किलोमीटर भी बाकी है, आगे जाना है जयपुर की ओर। पीछे भरतपुर जाता है और ये वाला आगे जाता है जयपुर। अभी दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और नज़ारा देखो, अभी ये जयपुर बाईपास रोड पे है हम, यहाँ से जयपुर ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर बाकी है आगे, और ऐसा नज़ारा है। पहाड़ देखो, छोटे छोटे पहाड़ है, बीच में से रास्ता, थोड़ा थोड़ा फॉग भी गिर रहा है, अच्छा खासा नज़ारा है। शाम तक आराम से पहुँच जाएंगे जयपुर। जयपुर में हम आज नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद कल सुबह घूमेंगे थोड़ी देर, उसके बाद हमारी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, ऐसा नज़ारा है जयपुर का। सो गाइस, शाम के 5 बजने को आए हैं, ऑलमोस्ट यहाँ से हमें 17 किलोमीटर जाना है अभी जयपुर के लिए, ऐसा नज़ारा है। और एक दो बार वहाँ बीच में स्टे भी लिया, चाय बाय पी और फिर निकले। तो चलिए आगे चलते हैं जयपुर की ओर। पर जो आप एक्सप्रेस हाईवे देख रहे हो वो वडोदरा वाला है, हमारी साइड जाता है गुजरात के अंदर, और नीचे से जाएंगे हम जयपुर, दिल्ली वडोदरा होके, दिल्ली और वडोदरा दोनों साइड जाता है ये रास्ता, हमें आगे जाना है। जस्ट 16 किलोमीटर बाकी है अभी, कल सुबह वहाँ से निकलेंगे उदयपुर वाली साइड, एक दो दिन में घर पहुंच जाएंगे आराम से घूमते घूमते। देर में हम जो जयपुर सिटी है उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, और यहाँ बाहर का नज़ारा देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे, जो बच्चे होते हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पे उत्तरायण जैसा माहौल है, देखो ऊपर बहुत ही पतंग उड़ रही है अभी। चलो आगे चलते हैं जयपुर की, और ऑलमोस्ट यहाँ से 5-6 किलोमीटर बाकी है। गाइस, आप पहाड़ देखो कितने बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, अभी शाम हो चुकी है इस वजह से कुछ बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है पहाड़ का। जयपुर आगे है, गुलाबी नगरी में आपका स्वागत है। जयपुर को गुलाबी नगरी कही जाती है क्योंकि वहाँ पे जो पूरी नगरी है ना वो ऐसे रेड कलर से, गुलाबी कलर से बनी गई है, इस वजह से जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। सो गाइज, फाइनली हम टनल के अंदर एंटर हो रहे हैं, कुछ ऐसी बड़ा सा पहाड़ के अंदर ये टनल बनाई गई है। जयपुर के अंदर आए और टनल ना दिखाए ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ इस तरह का नज़ारा है टनल का। वाह, बेहतरीन नज़ारा है ये देखो, मैं पहली बार ऐसी टनल के अंदर से बाइक राइड कर रहा हूँ। ऊपर पहाड़ और नीचे रास्ता, टनल के अंदर से जाने का है, काफी लंबी टनल है देखो भाई साहब, टनल से बाहर निकल रहे हैं अभी, काफी लंबी टनल थी ये, और बहुत ही अच्छा लगा इसके अंदर आने। पहली बार ऐसी टनल के अंदर घुसे हम, देखो पहाड़ के ऊपर, ऊपर पहाड़ नीचे टनल, गुलाबी नगरी आ चुकी। देखो ऐसे गुलाबी रंग से इसको बनाई पूरी नगरी ऐसी है, इस वजह से गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को। सो गाइज, अभी हम जो जयपुर सिटी उसके अंदर घूम रहे, कहीं पे अच्छी खासी होटल या धर्मशाला के अंदर देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे स्टे करेंगे। ऐसी है नगरी, नाइट में ऐसी सजी हुई रहती है देखो, गुलाबी गुलाबी रंग की। चलो पहले नाइट में कहीं पे स्टे करने का बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद घूमते हैं।